हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग जो लोकल जो टेलीविज़न सेट होता है उस टेलीविज़न सेट में ऑडियो सेक्शन कैसे काम करता है और साथ ही साथ उसका साउंड म्यूट जो सर्किट होता है वो किस प्रकार से काम करता है। अब देखिएगा कि जो लोकल जो टेलीविज़न सेट होता है उसमें एक बहुत ही प्रचलित IC लगाया जाता है CV203 जो है ऑडियो आउटपुट के रूप में लगाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि दो ट्रांजिस्टर प्रयोग में लाए गए हैं जो कि साउंड म्यूट सर्किट के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आमतौर पर जो ऑडियो सेक्शन होता है वो जिसको समझना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी वे में होता है और जो है उसमें किसी प्रकार का किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ता। लेकिन आप देखिएगा कि जो साउंड म्यूट जो सर्किट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लोगों को समझ में नहीं, जो अधिकांश मैकेनिक नहीं समझ पाते हैं कि साउंड म्यूट सर्किट कैसे काम करता है। तो आज हम लोग बहुत ही इजी वे में ये समझेंगे कि साउंड म्यूट सर्किट कैसे काम करता है और साथ ही साथ ऑडियो जो सेक्शन होता है वो किस प्रकार से काम करता है। हम लोग पिछले कई वीडियो से हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से ये समझ पाए हैं कि पावर सप्लाई कैसे काम करता है, स्टैंड बाई सेक्शन कैसे काम करता है, जिसके बारे में हम लोग भली भांति जो है जान चुके हैं। तो यहाँ जो है पावर सप्लाई और स्टैंड बाई सेक्शन के बारे में भी कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये दोनों विभाग के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आप जो है साउंड म्यूट जो सर्किट होता है उसको सही रूप से भली भांति समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, जो SMPS जो पावर सप्लाई होता है उस पावर सप्लाई में 220 वोल्ट AC की सप्लाई देते हैं। और SMPS पावर सप्लाई का काम क्या है कि जो लोकल जो टेलीविज़न सेट होता है उसमें पावर सप्लाई का काम क्या होता है कि वो 220 वोल्ट AC को DC में कन्वर्ट करने के बाद विभिन्न प्रकार का वोल्ट जो है अपने आउटपुट से निकालने का काम करता है, जिसमें 110 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट और ग्राउंड, इतने प्रकार की सप्लाई जो है हमको जो है पावर सप्लाई के आउटपुट से प्राप्त होती है। तो यहाँ से निकलने वाला जो सप्लाई होता है उस सप्लाई को लेकर के सबसे पहले क्या करते हैं कि एक स्टैंड बाई सेक्शन बना होता है टेलीविज़न सेट में। और स्टैंड बाई सेक्शन के बारे में हम लोग जो है विस्तार पूर्वक जो है स्टैंड बाई का जो वीडियो मैंने जो डाला हुआ है उसमें आप जो है विस्तार पूर्वक जो है इसके बारे में बताया गया है और आप जो है उसको समझ सकते हैं। तो स्टैंड बाई सेक्शन का काम क्या है कि जब इसको हम लोग 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की जब सप्लाई देते हैं तो ये स्टैंड बाई सेक्शन क्या करता है कि 12 और 24 वोल्ट के सप्लाई से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट जनरेट करने का काम करता है, 5 वोल्ट और 8 वोल्ट निर्माण करने का काम करता है। तो 5 वोल्ट 8 वोल्ट तभी बाहर निकालता है, 5 वोल्ट 8 वोल्ट तभी आउट करता है जब इसको ऑर्डर देते हैं। तो इसको ऑर्डर देने के लिए हम लोग पहले ही जानते हैं कि एक माइक्रो प्रोसेसर IC होता है TD8873 जो लोकल जो टेलीविज़न सेट होता है उसमें लगाया जाता है। तो TD8873 होता है वो जो है अपने पिन नंबर 64 से ऑर्डर निकालता है स्टैंड बाई सेक्शन के लिए कि स्टैंड बाई सेक्शन अपने आउटपुट से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउट करे या नहीं करे। 5 वोल्ट और 8 वोल्ट तभी आउट होता है जब पावर सप्लाई से 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और इसके अलावे जो है ये माइक्रो प्रोसेसर IC के पिन नंबर 64 से यानी कि 64 नंबर पिन से जब ऑर्डर देते हैं तो स्टैंड बाई सेक्शन काम करते हैं, जिसको हम लोग पहले ही जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ऑडियो आउटपुट जो सेक्शन होता है यानी कि जो लोकल जो टेलीविज़न सेट का जो ऑडियो सेक्शन होता है वो किस प्रकार से काम करता है और साथ ही साथ साउंड म्यूट जो सेक्शन होता है वो कैसे काम करता है। तो देखिएगा यहाँ पर कि ऑडियो सेक्शन के लिए यहाँ पर एक ऑडियो एम्पलीफायर IC लगाया गया है जिसका नंबर होता है CV203। CV203 के स्थान पर UTC 2003 IC भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो IC लगा होता है इस IC में हम लोग मुख्य रूप से चार बातों का ध्यान देते हैं। किसी भी ऑडियो आउटपुट जो IC होता है उसमें मुख्य रूप से हम चार बातों का ध्यान देते हैं। पहला ये कि IC का इनपुट पिन कौन है। इनपुट पिन उसे कहते हैं जिसमें कमजोर सिग्नल, वीक सिग्नल देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इस IC का पिन नंबर 1 जो होता है वो इनपुट होता है। किस IC का, तो CV203 नंबर का जो IC होता है इसका इनपुट पिन 1 होता है और 1 में कमजोर सिग्नल देते हैं। और ये सिग्नल कहाँ से आता है तो आप देखिएगा, माइक्रो जो प्रोसेसर IC होता है उसके अंदर है हम लोग ऑडियो, कमजोर ऑडियो सिग्नल देते हैं, इनपुट करते हैं, इन करते हैं। तो कमजोर ऑडियो सिग्नल देने के लिए आप देखिएगा कि एक जो है सॉकेट बना होता है
और ये सॉकेट देखेंगे कि इस प्रकार का आपका जो सॉकेट आप टेलीविजन सेट में देखे होंगे कि इस प्रकार का सॉकेट जो है यूज किया जाता है। तो जो ये जो सॉकेट होता है, सॉकेट में दो जगह ऑडियो देते हैं और एक जगह वीडियो देते हैं। तो वीडियो देने के लिए आप देखिएगा कि येल्लो कलर का सॉकेट बना होता है, जबकि रेड और वाइट कलर का जो सॉकेट बना होता है वो ऑडियो के लिए होता है। तो ऑडियो सिग्नल, चाहे वो आपका किसी प्रकार का ऑडियो हो, चाहे वो डीटीएच का हो, सेटअप बॉक्स जो भी हो, या जो है आपका सीडी हो, डीवीडी हो, जिसका भी ऑडियो हो, कमज़ोर ऑडियो सिग्नल सबसे पहले क्या करते हैं कि इस माइक्रो प्रोसेसर आईसी के अंदर जो है प्रदान करते हैं, देते हैं। ऑडियो सिग्नल देने के लिए इस आईसी में दो इनपुट पिन बने होते हैं, एक होता है पिन नंबर 32 और एक होता है पिन नंबर 22। पिन नंबर 32 यानी कि पिन नंबर 32 को और 22 को कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। तो देने के लिए क्या होता है कि इस आईसी का 32 और 22 को कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देने के लिए क्या होता है कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के द्वारा एक सिग्नल 32 को देते हैं और एक सिग्नल 22 को देते हैं। ये कहाँ से देते हैं? तो ये सिग्नल जो है हमारा जो है कहाँ से आता है? तो हमारा सीडी हो या डीवीडी हो या जो है सेटअप बॉक्स हो, किसी भी प्रकार का कमज़ोर ऑडियो सिग्नल जब इसमें देते हैं तो ये कमज़ोर ऑडियो सिग्नल जैसे ही इस आईसी के अंदर जाता है तो वो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल आईसी के फिर आउटपुट पिन से आउट होता है, निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो 28 और 29 नंबर पिन से, यानी कि 28 और 29 नंबर पिन से वो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल फिर जो है बाहर निकल जाता है। तो ये कमज़ोर ऑडियो सिग्नल बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसको हम लोग जो है डायरेक्ट कानों द्वारा सुन नहीं सकते हैं। तो इसको एम्पलीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि आगे चल करके यहाँ पर ऑडियो एम्पलीफायर आईसी लगाते हैं, जो कि उस कमज़ोर ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल क्या करते हैं, तो 32 और 22 को देते हैं और आउटपुट से इसके जो है 29 और 28 से कमज़ोर ऑडियो सिग्नल जो है फिर जो है आउट होता है। यहाँ पर तो एक समान ऑडियो आता है 32 और 22 को, लेकिन आईसी के पिन नंबर 28 और 29 से जो है ऑडियो आपको जैसे जैसे वॉल्यूम अप करेंगे, डाउन करेंगे, उसी अनुसार से यहाँ से ऑडियो आपका कम और ज़्यादा निकलेगा। हमको ऑडियो कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए, इसके लिए क्या है कि यहाँ पर तो आईसी के पिन नंबर 32 और 22 को तो एक समान ऑडियो दिए, कहाँ से दिए ऑडियो? तो ये ऑडियो जो है हम लोग सीडी या डीवीडी या जो है सेटअप बॉक्स जो भी हो उसके द्वारा ऑडियो जो है 32 और 22 को जो दिए, तो ये ऑडियो जो एक समान जो ऑडियो यहाँ पर दिया गया, तो इस आवाज को हम लोग जो है कितना चाहते हैं, कम चाहते हैं कि ज़्यादा चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ से रिमोट के द्वारा आईसी के पिन नंबर 63 को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमको ऑडियो कितना चाहिए, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। इसके लिए जो है हमारा रिमोट में जो हमारे जो रिमोट होता है, रिमोट में वॉल्यूम अप डाउन का जो बटन होता है उसके द्वारा जो हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं। कहाँ पर? तो सबसे पहले रिमोट के द्वारा जो हम लोग सिग्नल देते हैं वो सेंसर कैच करता है और सेंसर के द्वारा कैच किया हुआ सिग्नल जब आईसी के पिन नंबर 63 को देते हैं तो उसी अनुसार से 22 और 32 में जाने वाला ऑडियो पिन नंबर 29 या 28 से जो है आपको जो है कम और ज़्यादा निकलता है। और इसके अलावे की भी लगा होता है आईसी के पिन नंबर 3 के साथ, जिसके की के द्वारा जो है हम लोग यहाँ से जो है की के द्वारा भी हम लोग वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि 22 और 32 में जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल जो दिया गया है वो सिग्नल एक लेवल में दिया जाता है, एक समान दिया जाता है, लेकिन हम चाहेंगे तो इस टेलीविज़न के की के द्वारा या रिमोट के द्वारा हम लोग जो है यहाँ से ऑडियो कम और ज़्यादा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से निकलने वाला ऑडियो बहुत ही कमज़ोर होता है। इसको एम्पलीफाई करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है कि यह कमज़ोर ऑडियो जो यहाँ से निकल रहा है, इस कमज़ोर ऑडियो सिग्नल को लेकर के आईसी के इनपुट पिन 1 को देते हैं। अभी हम जाने कि किसी भी आईसी में चार बातों को ध्यान देते हैं। पहला ये कि आईसी का इनपुट पिन कौन है, तो हम लोग को जानना ये है कि इस आईसी का इनपुट पिन 1 होता है। इनपुट किसे कहते हैं? जिसमें कमज़ोर सिग्नल देते हैं, जिसमें वीक सिग्नल जो है प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, उसी को इनपुट बोलते हैं। तो यहाँ से जो सिग्नल निकलता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, वो सिग्नल सबसे पहले आईसी के पिन नंबर 1 को देते हैं। तो 1 को कहाँ से सिग्नल आया? तो सिग्नल जो है आईसी के पिन नंबर 28 और 29 से बाहर निकलता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग जो है 29 से ही, यानी कि 29 नंबर पिन से ही सिग्नल प्राप्त करते हैं। और यहाँ से निकलने वाला सिग्नल यहाँ से होते हुए आईसी के पिन नंबर 1 को जब देते हैं तो वो सिग्नल जो है इनपुट में जैसे ही गया तो एम्पलीफाई होता है, आईसी के द्वारा मजबूत होता है, और मजबूत होने के बाद पूरा शक्तिशाली सिग्नल आईसी के पिन नंबर 4 से आउट कर लेते हैं, यानी कि आईसी के पिन नंबर 4 से प्राप्त कर लेते हैं। और आईसी के
पिन नंबर चार जो होता है वो आउटपुट होता है, जहाँ से शक्तिशाली सिग्नल आउट होता है निकलता है। कमजोर सिग्नल कहाँ से दिए? तो वैसे होते हुए आईसी के इनपुट पिन एक को दिए और पूरा शक्तिशाली सिग्नल आईसी के पिन नंबर चार से हम लोग क्या करते हैं तो ले लेते हैं, और यही सिग्नल जो है एक कैपेसिटर के द्वारा आपको स्पीकर को चला जाता है, और स्पीकर का दूसरा सिरा जो है माइनस लाइन में ग्राउंड में अर्थ करते हैं, और इस प्रकार से स्पीकर से आवाज़ को हम लोग शक्तिशाली आवाज़ को सुन लेते हैं। लेकिन आईसी फ्री में काम नहीं करता, आईसी को काम करने के लिए सप्लाई देना होता है। तो सप्लाई कहाँ देते हैं? तो आईसी का पॉजिटिव पिन होता है पिन नंबर पाँच, पिन नंबर पाँच को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, 18 वोल्ट की सप्लाई देते हैं एक रेजिस्टेंस के द्वारा, ऐसे होते हुए पिन नंबर पाँच को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो वो 18 वोल्ट कहाँ से आता है? तो हम लोग जानते हैं कि पावर सप्लाई से 18 वोल्ट आउट होता है, और वो 18 वोल्ट की सप्लाई एक रेजिस्टेंस के द्वारा पिन नंबर पाँच को वोल्टेज देते हैं, पॉजिटिव सप्लाई हुआ क्या चीज़। तो ऑडियो सिग्नल कैसे कैसे हम लोग एम्पलीफाई करके और हम लोग स्पीकर के द्वारा सुन लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगे हैं, साउंड म्यूट सर्किट के लिए दो ट्रांजिस्टर लगे हैं, जिनके द्वारा क्या किया जाता है कि सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि यहाँ से जो निकलने वाला सिग्नल आईसी के पिन नंबर एक में जो दिया जाता है उस सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए एक साउंड म्यूट सर्किट बना होता है, जिसमें आप देखिएगा कि दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। एक ट्रांजिस्टर होता है जो कि 18-15 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है, और दूसरा जो ट्रांजिस्टर होता है वो 10-15 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो यहाँ पर 18-15 जो ट्रांजिस्टर होता है, यह ट्रांजिस्टर जो है आपको वास्तविक रूप में इस प्रकार का बना होता है। इसमें देखेंगे 18-15 में कि यह ट्रांजिस्टर का बेस या कलेक्टर और लिमिटर, ट्रांजिस्टर के लिखे हुए भाग को सामने करेंगे, और जो है जब लेग को ऊपर करके देखेंगे तो यह बेस होता है, यह कलेक्टर होता है, और यह इमीटर होता है। 18-15 जस्ट उसी तरह से 10-15 भी जो ट्रांजिस्टर होता है उसके भी लिखे हुए भाग को सामने और लेग को ऊपर करके देखेंगे तो पहला जो है बेस होता है, दूसरा कलेक्टर होता है, और तीसरा जो है इमीटर होता है। तो ये तो ट्रांजिस्टर वास्तविक रूप में होता है, लेकिन जो ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है, जो उसका सांकेतिक चिन्ह होता है, उसमें ट्रांजिस्टर जो है आपका इस प्रकार का बना होता है। तो यहाँ पर 18-15 नंबर का ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, और यहाँ पर 10-15 नंबर का ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। 18-15 नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है यह NPN ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक NPN होता है और एक PNP होता है। तो कैसे समझेंगे कौन NPN है और कौन PNP है? तो यहाँ पर देखेंगे कि जिसमें एरो मार्क्स एक्सटर्नल होता है, यानी कि तीर का निशान अगर बाहर की तरफ होता है तो उसको हम लोग NPN ट्रांजिस्टर मानते हैं, और अगर तीर का निशान अंदर की तरफ होता है, यानी कि एरो मार्क्स जो है इंटरनल होता है, तो उसको हम लोग जो है PNP ट्रांजिस्टर मानते हैं। तो यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया है और यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाता है। आप चाहेंगे तो मल्टीमीटर के द्वारा भी आप NPN और PNP ट्रांजिस्टर के पहचान, NPN और PNP ट्रांजिस्टर का पहचान आप कर सकते हैं, जिसके बारे में जो मैंने पावर सप्लाई में कुछ वीडियो डाला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो उसको आप देख करके आप पहचान सकते हैं कि कौन ट्रांजिस्टर NPN है, कौन PNP है, मल्टीमीटर द्वारा किस प्रकार से पहचान करते हैं, जिसको आप जो है वीडियो को देख करके आप जो है जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह NPN ट्रांजिस्टर लगाया गया है और यहाँ पर PNP लगाया गया है। NPN और PNP का जो सप्लाई जो होता है वो अलग अलग होता है। ये ध्यान देना होता है कि NPN जो ट्रांजिस्टर होता है उसके इमीटर को निगेटिव सप्लाई देते हैं, जबकि जो PNP जो ट्रांजिस्टर होता है उसके इमीटर को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। ये हमेशा याद रखना होगा कि NPN का को सप्लाई और PNP के जो सप्लाई में अंतर होता है। यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर है क्योंकि तीर का निशान बाहर की तरफ है, तो यह NPN है। NPN ट्रांजिस्टर के इमीटर को निगेटिव देते हैं, देखिएगा कि यह ग्राउंड में अर्थ है, और जबकि PNP जो ट्रांजिस्टर होता है उसके इमीटर को पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से दिया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि स्टैंड बाई से 8 वोल्ट आउट होता है, और वो 8 वोल्ट जो स्टैंड बाई जो सेक्शन होता है जिससे 8 वोल्ट निकलता है, वो 8 वोल्ट निकाल करके ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 17 को देते हैं, जो कि हम लोग स्टैंड बाई सेक्शन में विस्तार पूर्वक जान चुके हैं कि स्टैंड बाई सेक्शन से जो 8 वोल्ट निकलता है, जब पिन नंबर 17 को देते हैं माइक्रो प्रोसेसर आईसी को, तो इसके आईसी के अंदर बना हुआ हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर सेक्शन काम करता है, और जब हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर सेक्शन काम करता है तो उस प्रकार से हॉरिजॉन्टल सेक्शन के द्वारा ESD का निर्माण होता है, और जो है हमारे टेलीविजन के स्क्रीन पर रास्टर प्राप्त होता है, यानी कि लाइट प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ से निकलने वाला जो 5 वोल्ट की सप्लाई होती है वो सप्लाई लेकर के आईसी के पिन नंबर 47 को देते हैं, ताकि वीडियो सेक्शन इस टेलीविजन सेट के अंदर का लगा हुआ वीडियो सेक्शन काम करे। तो अभी हमको क्या देखना है कि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ साउंड म्यूट सर्किट के लिए, तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो 18-15 NPN होता है, और ये 10-15
15 जो नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यह पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें समझे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के इमीटर को निगेटिव देते हैं जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर के इमीटर को पॉजिटिव देते हैं। तो पॉजिटिव कहाँ से दिए हैं, तो 8 वोल्ट का लाइन से एक रेजिस्टेंस के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई दिया गया है। इसके बाद क्या जानना होता है ट्रांजिस्टर में, एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसके जब बेस को वोल्टेज देते हैं तो उसके इमीटर और कलेक्टर अंदर ही अंदर आपस में सटते हैं, जो कि स्टैंड बाय सेक्शन में भी मैंने विस्तार पूर्वक बताया था कि जब ट्रांजिस्टर के बेस पर जब वोल्टेज दिया जाता है तो उसके इमीटर और कलेक्टर आपस में सटते हैं, जितना ज्यादा वोल्ट देंगे उतना ही इमीटर और कलेक्टर आपस में सटेंगे। तो यहां पर जो है जब इसके बेस को आप वोल्टेज देंगे पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो इसका दोनों पंप आपस में जो है सटेंगे। और यह जो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है यहां पर का क्या नियम है, इसका सिस्टम उसके विपरीत होता है, उसके ठीक रिवर्स में काम होता है। यहां पर जब जिसके बेस पर निगेटिव सप्लाई जितना ज्यादा देंगे उतना ही वह दोनों पंप इसके इमीटर और कलेक्टर आपस में सटेंगे, इसका बेस पर जब पॉजिटिव की मात्रा बढ़ाते हैं तो इसके दोनों पंप आपस में सटते हैं और इसके बेस पर जब निगेटिव की मात्रा जब बढ़ाएंगे तो इसके दोनों पंप आपस में सटेंगे। यानी कि इसका जब बेस का वोल्टेज बढ़ेगा तो ये दोनों पंप आपस में ज़्यादा सटेंगे और इसका जब बेस का वोल्टेज घटेगा तो इसके दोनों पंप आपस में ज़्यादा सटेंगे। तो ये दोनों का सिस्टम अलग अलग होता है ट्रांजिस्टर के बारे में। तो अभी हम देखें कि यह जो ट्रांजिस्टर जो म्यूट सेक्शन के लिए लगा हुआ है आपका यहाँ ट्रांजिस्टर और यहाँ ट्रांजिस्टर, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इनका क्या प्रयोग होता है, जो सीआरटी जो टेलीविजन लोकल जो सीआरटी टेलीविजन सेट होता है उसमें क्या इनका प्रयोग होता है। तो देखिए कि क्या होता है कि अगर आप जो है रिमोट के द्वारा अचानक आप जो है साउंड चाहते हैं कि जो है बंद कर दे म्यूट कर दे, साउंड को म्यूट करना के लिए भी जो है हमारे जो है रिमोट में आपका एक बटन होता है जिसको जो है बटन को दबा करके आप जो है उस की को दबा करके और आप चाहेंगे तो साउंड को म्यूट कर सकते हैं, यानी कि साउंड प्राप्त जो हो रहा है उसको जो है अचानक एक पैक जो है बंद कर सकते हैं, अचानक जो है उसको बंद किया जा सकता है म्यूट को म्यूट बटन दबा करके। तो ये जो है जो म्यूट जो बटन दबाएंगे तो उस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ से स्पीकर से आवाज़ निकलना बंद हो जाना चाहिए, यानी कि स्पीकर से आवाज़ जो है किसी भी प्रकार का आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो यह कैसे होता है, तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर के बेस को वोल्टेज को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो इसके इमीटर और कलेक्टर आपस में सट जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जब ट्रांजिस्टर के बेस के वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसके इमीटर और कलेक्टर आपस में क्या होते हैं, तो सट जाते हैं। तो यहाँ पर बेस के वोल्टेज को अगर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर बढ़ाने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यह जो आईसी के पिन नंबर 61 से म्यूट के पोजीशन में 3 वोल्ट आउट होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूट पोजीशन में 3 वोल्ट आउट होता है। तो आईसी के पिन नंबर 61 नंबर पिन से अगर आप जो है रिमोट के द्वारा म्यूट बटन दबा दिए म्यूट का की दबा दिए तो जब म्यूट बटन दबाएंगे तो उस स्थिति में जो है सेंसर जो है रिमोट के सिग्नल को कैच करेगा और ये जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया कि म्यूट हमको म्यूट करना है। जब इसके पिन नंबर 63 को म्यूट का जब सूचना दिए तो उस स्थिति में आईसी के 61 नंबर पिन से जो है 61 नंबर जो पिन होता है यहाँ से आपका म्यूट के पोजीशन में 3 वोल्ट आउट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूट पोजीशन में कितना वोल्ट आउट होगा, तो 3 वोल्ट आउट होगा। जब यहाँ से 3 वोल्ट आउट होगा तो ये 3 वोल्ट यहाँ से निकल करके ऐसे होते हुए ट्रांजिस्टर के बेस को चला जाएगा। जब ट्रांजिस्टर के बेस को 3 वोल्ट मिला, कहाँ से मिला वोल्ट 3 वोल्ट, तो यहाँ से जैसे ही जो है रिमोट के द्वारा हम लोग जो है म्यूट की बटन दबा दिए तो उस स्थिति में आईसी के पिन नंबर 61 नंबर पिन से म्यूट के लिए 3 वोल्ट आउट होता है। म्यूट के लिए कितना वोल्ट आउट हुआ, तो 3 वोल्ट आउट हुआ। और यहाँ का निकलने वाला जो 3 वोल्ट होता है वो 3 वोल्ट कब निकलेगा, तो म्यूट के पोजिशन में 3 वोल्ट। और जब 3 वोल्ट निकला तो यह 3 वोल्ट जाकर के इसके बेस को मिला, जैसे ही इसके बेस को वोल्टेज मिलेगा तो हम लोग जानते हैं कि यह एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, जब इसके बेस को वोल्टेज मिलेगा तो इसके इमीटर कलेक्टर आपस में सट जाएंगे। अब जब इमीटर कलेक्टर आपस में सट जाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसका इमीटर जो है ग्राउंड है, निगेटिव लाइन में है। इसका इमीटर कहाँ है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यह जो है इसका इमीटर जो है निगेटिव लाइन में है। तो जैसे ही जो है म्यूट के पोजिशन में आईसी के पिन नंबर 61 से 3 वोल्ट निकलता है, जब 3 वोल्ट मिला तो इसके दोनों पांव यानी कि मीटर और कलेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे। और जब ये सटे
तो इधर से आने वाला वोल्ट, यह इधर से आने वाला सिग्नल जो कि आईसी के पिन नंबर 29 नंबर पिन से सिग्नल आकर के आईसी के पिन नंबर 1 को जा रहा है, जब ये दोनों पांव सटेंगे, कब सटेंगे, जब म्यूट जब बटन दबाएंगे तो यहाँ से 3 वोल्ट आउट होगा और यहाँ का 3 वोल्ट निकल करके जिस चीज़ को भी इसको मिला तो दोनों पांव आपस में सट गए, यानी कि म्यूटर क्लटर आपस में सट गए, और जब सटे तो यहाँ का जितना भी सिग्नल होगा वो सिग्नल जो है ये ऐसे होते हुए निगेटिव लाइन में जा करके नष्ट हो जाएगा, निगेटिव लाइन में ख़त्म हो जाएगा। कौन सिग्नल? तो यहाँ पर जो कमजोर ऑडियो सिग्नल जो आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, तो आईसी के पिन नंबर 29 और 28 से निकलने वाला जो सिग्नल होता है वो सिग्नल ऐसे होते हुए जैसे यहाँ पर जो दिया गया है, मुख्य रूप से आईसी के पिन नंबर 29 से सिग्नल लेते हैं, 28 को खाली छोड़ देते हैं, एनसी होता है खाली छोड़ देते हैं, तो 29 से निकलने वाला सिग्नल जैसे ही यहाँ से ऐसे हो तो यहाँ जा रहा था, लेकिन जैसे ही म्यूट बटन दबाए तो यह आईसी के पिन नंबर 61 से 3 वोल्ट आउट हुआ और यह 3 वोल्ट जा करके ये इसके दोनों लेग को आपस में क्या कर देता है, सटा देता है, म्यूटर कलेक्टर आपस में सट जाएंगे। जब म्यूटर कलेक्टर आपस में सटे तो तुरंत जो है यहाँ का सिग्नल जो है ग्राउंड में जा करके ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ का सिग्नल खत्म जब हो जाएगा तो इधर से अगर कोई सिग्नल आ भी रहा होगा तो इधर से जाना निकलना बंद हो जाएगा, यानी कि स्पीकर से आपको किसी प्रकार की आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। दूसरा पोजीशन, ये तो रहा कि म्यूट के पोजीशन में, दूसरा कि अगर जो है टेलीविजन में ऐसा सिस्टम बना होता है कि जब 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 टेलीविजन को वीडियो देते हैं तभी ऑडियो प्राप्त हो, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं दिया और ऑडियो निकल जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस टेलीविजन सेट में एक साउंड म्यूटिंग सर्किट के लिए एक और पोजीशन क्या होता है कि जब वीडियो देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे कि इस प्रकार का सॉकेट बना होता है और सॉकेट में येल्लो जो सॉकेट होता है उसमें वीडियो देते हैं, तो वीडियो जो यहाँ देते हैं वो वीडियो कहाँ देते हैं, तो इस माइक्रो प्रोसेसर आईसी के पिन नंबर है 24 और 23 नंबर पिन को वीडियो दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसके पिन नंबर 24 को ही वीडियो दिया जाता है। तो वीडियो जो जो इसको देते हैं तो वो जब वीडियो देते हैं तभी इस आईसी का ऑडियो सेक्शन भी काम करता है। अगर यहाँ पर वीडियो नहीं देंगे तो ऑडियो सेक्शन काम नहीं करेगा, यानी कि आईसी के पिन नंबर आप 32 और 22 को जो भी सिग्नल देंगे वो सिग्नल तो जाएगा लेकिन 29 नंबर पिन से और 28 नंबर पिन से ऑडियो सिग्नल आउट नहीं होगा। तो ऑडियो सिग्नल तभी आउट होते हैं 28 29 से, जो 32 और 22 में जो सिग्नल दे रहे हैं तो वो सिग्नल जो है आउट तभी होता है जब इसमें वीडियो देंगे, तब आईसी के पिन में आईसी का जो वीडियो इनपुट पिन होता है जब उसमें वीडियो देंगे तभी ऑडियो यहाँ से आउट होता है, यानी कि ऑडियो सिस्टम तभी काम करेगा जब इसको वीडियो देंगे। तो वीडियो कहाँ देते हैं, तो आईसी का पिन नंबर 24 और 23 नंबर पिन जो होता है वहाँ वीडियो देते हैं, ये सॉकेट के द्वारा जो है वीडियो दिया जाता है, कैपेसिटर के द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर वीडियो देते हैं 24 और 23 को, तो मुख्य रूप से 24 को वीडियो देते हैं, और जब वीडियो देंगे तो अभी यहाँ का ऑडियो सेक्शन इसके अंदर का काम करेगा और यहाँ से ऑडियो आउट होगा निकलेगा। तो अगर आप वीडियो नहीं देंगे, तो अगर वीडियो नहीं देते हैं तो उस स्थिति में तो यहाँ से ऑडियो नहीं निकलेगा, और जब यहाँ से ऑडियो जब नहीं निकलेगा तो उस स्थिति में यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिग्नल, अगर अनावश्यक सिग्नल आ भी जाए, अगर फालतू सिग्नल आ भी जाए, तो उस सिग्नल को नष्ट करने के लिए क्या होता है कि अगर नो वीडियो का पोजिशन हो, अगर वीडियो प्राप्त नहीं हो, वीडियो अगर यहाँ नहीं दिया गया हो, तो उस स्थिति में भी जो है यहाँ के आईसी के पिन नंबर 61 से 3 वोल्ट आउट होता है। अगर नहीं वीडियो देंगे इस आईसी को, वीडियो अगर नहीं देते हैं पिन नंबर 24 को, हम लोग वीडियो देते हैं, तो अगर वीडियो नहीं देंगे तो उस स्थिति में आईसी के पिन नंबर 61 से 3 वोल्ट आउट होगा और यहां से निकलने वाला 3 वोल्ट ऐसे होते हुए इस ट्रांजिस्टर के बेस को चला जाता है एक डायोड के द्वारा, 4148 के द्वारा, डायोड के द्वारा आपको जो है ये जो है वोल्टेज चला जाता है इसके बेस को, जैसे ही वोल्टेज मिलेगा इसके बेस को तो इसके इमीटर कलेक्टर आपस में सट जाएंगे और यहाँ पर अगर जो अगर कोई किसी प्रकार का सिग्नल होगा भी तो वो सिग्नल जो है ऐसे होते हुए ग्राउंड में जा करके ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से नो वीडियो के पोजिशन में भी यहाँ से 3 वोल्ट निकलता है और वो 3 वोल्ट जा करके बेस को जाता है और जब बेस को वोल्टेज मिलता है तो इसके इमीटर कलेक्टर आपस में सट जाते हैं और इधर से अगर किसी प्रकार का सिग्नल आ भी रहा होगा तो वो सिग्नल जाकर ग्राउंड में खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तीसरा पोजीशन समझिए, तीसरा पोजीशन में क्या होता है कि स्टैंडबाई के पोजीशन में भी यहां से 3 वोल्ट निकलता है। स्टैंडबाई के पोजीशन में क्या होता है, स्टैंडबाई में क्या होता है कि अगर हम लोग टेलीविजन सेट को स्टैंडबाई मोड में कर देंगे तो स्टैंडबाई मोड में कर देते हैं तो यहां से 8 वोल्ट और यहां से 5 वोल्ट निकलना बंद हो जाता है।
तो यहाँ से 8 वोल्ट 5 वोल्ट निकलना बंद हो जाता है। तो जब 8 वोल्ट 5 वोल्ट निकलना बंद हो जाता है तो हॉरिजॉन्टल जो ऑसिलेटर के लिए जो पिन होता है पॉजिटिव पिन होता है वो पिन नंबर क्या होता है तो 17 होता है। 17 को जो 8 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो जब स्टैंड बाई मोड में कर देते हैं तो 8 वोल्ट 17 नंबर पिन को मिलना बंद हो जाता है। ये स्टिक का निर्माण नहीं होगा, टेलीविजन के स्क्रीन पर राष्ट्र प्राप्त नहीं होगा और साथ ही साथ 5 वोल्ट भी नहीं निकलेगा। तो आईसी के पिन नंबर 47 को जब 5 वोल्ट नहीं मिलेगा तो वीडियो सेक्शन भी काम नहीं करेगा। तो अब देखिए कि अगर आप स्टैंड बाई मोड में कर देते हैं तो स्टैंड बाई मोड की स्थिति में स्टैंड बाई मोड में कैसे करते हैं, तो हम लोग रिमोट के द्वारा या की के द्वारा जब इस आईसी को माइक्रो प्रोसेसर आईसी को निर्देश देते हैं स्टैंड बाई मोड का, तो स्टैंड बाई मोड की स्थिति में आईसी का पिन नंबर 64 से ऑर्डर जाता है स्टैंड बाई सेक्शन को कि तुम यहाँ से 8 वोल्ट 5 वोल्ट निकालना बंद कर दो। जब 8 वोल्ट 5 वोल्ट निकालना बंद हो जाता है तो उसी पोजीशन में क्या होता है कि इस आईसी के पिन नंबर 61 नंबर पिन से 3 वोल्ट आउट होता है स्टैंड बाई पोजीशन में भी। तो स्टैंड बाई पोजीशन में भी देखिए आपको लिखा हुआ है स्टैंड बाई पोजीशन में 3 वोल्ट, नो वीडियो का पोजीशन में 3 वोल्ट और म्यूट पोजीशन में 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट जो है 3 पोजीशन में बाहर निकलेगा, पहला कि म्यूट के पोजीशन में 3 वोल्ट, नो वीडियो के पोजीशन में 3 वोल्ट और स्टैंड बाई पोजीशन में 3 वोल्ट। जब स्टैंड बाई पोजीशन में जब करेंगे तो यहाँ से 3 वोल्ट निकलता है और 3 वोल्ट जो यहाँ मिलेगा तो इसके दोनों पांव आपस में सट जाएंगे और यहाँ पर किसी भी प्रकार का आने वाला सिग्नल जाकर के ग्राउंड में खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जब यहाँ पर सिग्नल नहीं पहुँचेगा एक नंबर पिन को तब पिन नंबर 4 से भी किसी भी प्रकार का सिग्नल आउट नहीं होगा, स्पीकर से किसी भी प्रकार की हमको आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। साथ ही साथ आप देखिएगा कि स्टैंड बाई मोड में ही हम देखेंगे कि इस ट्रांजिस्टर का जो है फंक्शन होता है, ये ट्रांजिस्टर जो है स्टैंड बाई मोड के लिए ही लगाया गया है। इसका विशेष काम क्या है कि यह एक क्षण के लिए यह इसके बेस को वोल्टेज देने का काम करता है, मात्र जो है 1 सेकेंड के लिए इसके बेस को यह सप्लाई देने के लिए यहाँ पर जो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर लगाया गया है इसका काम क्या है कि 1 सेकेंड के लिए मात्र यहाँ पर वोल्टेज देने के लिए इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। तो ये क्यों लगाया जाता है, क्या होता है कि जब स्टैंड बाई मोड में करते हैं, जब टेलीविजन सेट को रिमोट के द्वारा करें या की के द्वारा करें, जब स्टैंड बाई मोड में करेंगे तो आईसी के पिन नंबर 64 से ऑर्डर जाएगा कि स्टैंड बाई मोड में करना है सर्किट को, तो उस स्थिति में 8 वोल्ट 5 वोल्ट निकलना बंद हो जाएगा। जब 8 वोल्ट 5 वोल्ट निकलना बंद हो जाएगा तो आईसी के पिन नंबर 17 को और आईसी के पिन नंबर 47 को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। आईसी के बहुत सारे जो है सेक्शन आईसी के अंदर बने हुए बहुत सारे सेक्शन काम करना बंद कर देते हैं। तो उसी पोजिशन में क्या होता है कि हम देखेंगे कि उसी पोजिशन में क्या होता है कि जब स्टैंड बाई मोड में करते हैं तो उस पोजिशन में इस ट्रांजिस्टर का फंक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट होता है कि अगर स्टैंड बाई मोड में करते हैं कभी भी टेलीविजन सेट को तो एक क्षण के लिए यहाँ से देखिएगा कि आईसी के पिन नंबर आउटपुट पिन जो 29 है इस पिन से कुछ अनावश्यक सिग्नल निकलता है। इस एक प्रकार का ऐसा अनावश्यक सिग्नल निकलता है जो कि अनावश्यक सिग्नल को नष्ट करने के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी जो है आपको माइनस लाइन से लगा हुआ है तो ये नष्ट करने का काम है, लेकिन ये रेजिस्टेंस भी उस अनावश्यक सिग्नल को नष्ट नहीं करता है। तो जब स्टैंड बाई मोड में करते हैं टेलीविजन सेट को तो यहाँ से आईसी के पिन नंबर 29 से एक ऐसा सिग्नल निकलता है, एक ऐसा अनावश्यक सिग्नल निकलता है जो कि आपको जो है स्पीकर से अगर निकले तो वो आपको थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसको ही नष्ट करने के लिए ही यहाँ पर लगा हुआ ट्रांजिस्टर काम करता है। तो देखिएगा कि जैसे ही स्टैंड बाई मोड में करते हैं तो स्टैंड बाई मोड में कर देते हैं यहाँ का 8 वोल्ट गायब, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टैंड बाई मोड में जब करेंगे तो यहाँ से 8 वोल्ट और यहाँ से 5 वोल्ट निकलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर से जो 8 वोल्ट निकलना बंद हो जाता है तो जैसे ही यहाँ का वोल्टेज गायब हुआ तो यहाँ का वोल्टेज घट जाता है। जब ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्टेज घटता है तो हम लोग जानते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जब बेस के वोल्टेज को घटाते हैं तो इमीटर कलेक्टर आपस में सटता है। एनपीएन में क्या होता है कि बेस के वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसके इमीटर कलेक्टर ज़्यादा सटते हैं, लेकिन यह पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या है कि जब इसके बेस के वोल्टेज को जब घटाते हैं तो उसके इमीटर कलेक्टर ज़्यादा सटेंगे। इसके बेस के वोल्टेज को बढ़ाने पर ये एनपीएन है, एनपीएन में क्या है कि जब बेस के वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इमीटर कलेक्टर ज़्यादा मात्रा में सटेंगे, इमीटर और कलेक्टर आपस में ज़्यादा मात्रा में सटेंगे
और जबकि पीएनपी में क्या है कि जब बेस के वोल्टेज को घटाएंगे तो उसके इमिटर कलेक्टर आपस में ज़्यादा मात्रा में सटेंगे। तो जब स्टैंड बाई मोड में करते हैं तो यहाँ का वोल्टेज घट जाता है, जब वोल्टेज घटेगा तो तुरंत इमिटर और कलेक्टर आपस में सट जाएंगे। तो सट जाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव सप्लाई आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, तो ये 8 वोल्ट का लाइन से यहाँ से एक डायोड के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं 4148 के द्वारा जो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दिए हुए हैं और उस पॉजिटिव सप्लाई को चार्ज रखने के लिए यहाँ पर 10 mFd का एक कैपेसिटर लगा होता है, जो कैपेसिटर जो है चार्ज रखता है, उस जो है वोल्टेज को बनाए रखता है, 8 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ पर फिक्स बनाए रखने का काम करता है। लेकिन जैसे ही स्टैंड बाई मोड में करते हैं तो यहाँ से 8 वोल्ट निकलना बंद, जब यहाँ पर 8 वोल्ट निकलना बंद तो यहाँ भी 8 वोल्ट मिलना बंद हो जाता है, जब यहाँ पर 8 वोल्ट मिलना बंद हो जाता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए ये कैपेसिटर अपने अंदर 8 वोल्ट को स्टोर रखता है। यानी कि स्टैंड बाई मोड में जब करने के बाद भी आप देखिएगा कि स्टैंड बाई मोड में जब कर देते हैं तो भी यहाँ पर सप्लाई आपको प्राप्त होगी, क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज रहता है, अपने अंदर वोल्टेज इकट्ठा रखता है। कैपेसिटर क्या होता है कि एक प्रकार का बैंक होता है, जो कि वोल्टेज का बैंक माना जाता है, जो कि आपको क्या करता है कि आपको जो है आपने अंदर जो है वोल्टेज को स्टोर रखने का काम करता है। तो यहाँ से जो वोल्टेज जो जा रहा था उस वोल्टेज से यह कैपेसिटर चार्ज होता है और एमिटर को परमानेंट जो है 8 वोल्ट की सप्लाई आपको प्राप्त होगी। लेकिन जैसे ही स्टैंड बाई मोड में करेंगे तो यहाँ सप्लाई मिलना बंद, तो इमीटर पर भी मिलना बंद, लेकिन एक सेकेंड के लिए ये कैपेसिटर जो है अपने अंदर जो है वो वोल्टेज को, इस ट्रांजिस्टर के वोल्टेज नहीं रहने के बाद भी यहाँ पर वोल्टेज देते रहता है, क्योंकि कैपेसिटर जो है अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर रखता है, जमा रखता है, तो ये वोल्टेज यहाँ पर देते रहता है। और जैसे ही स्टैंड बोर्ड में किए, स्टैंड मोड में जब किए तो यहाँ का वोल्टेज घट गया, जब घट गया तो दोनों पंप आपस में सट जाएंगे, और जब सट जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ का जो कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज था वो वोल्टेज ऐसे होते हुए इसके कलेक्टर पर चला जाएगा। मीटर का वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, तो कलेक्टर पर चला जाएगा वोल्टेज, और कलेक्टर पर वोल्टेज चला जाएगा इसके बेस को, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस को जब वोल्टेज बढ़ता है तो दोनों पंप आपस में सटते हैं, और इस प्रकार से यहाँ के वोल्टेज, यहाँ का जो सिग्नल होगा, जो भी अनावश्यक सिग्नल एक क्षण के लिए आ रहा था, वो सिग्नल डायरेक्ट ग्राउंड में जा करके नष्ट हो जाता है।